तो आज का दिन है यहाँ पे संडे का दिन और आज होने वाला है यहाँ पे Q&A वीडियो। तो कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे थे मैंने सारे पिक करने की कोशिश की है और इस वीडियो में सभी का आंसर आपको मिलने वाला है। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते जल्दी से शुरू कर लेते वीडियो को। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल PTG अनबॉक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करने से पहले तो एक बिग शाउट आउट टू यहाँ पे मिस्टर हंटर। तो ये यहाँ पे इतने अमेजिंग कमेंट्स करते हैं, मुझे लगता है जब से मैंने यहाँ पे चैनल स्टार्ट किया है, जब से मैंने टेक वीडियो यहाँ पे डालनी स्टार्ट की है, तब से ही मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है इनका बहुत मजेदार। तो ऐसे जब यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको यहाँ पे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती रहती है। तो जितने भी सब्सक्राइबर यहाँ पे कमेंट्स करते हैं तो उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, इसी की वजह से आपके लिए ऐसी वीडियो बन पाती है। तो ये Q&A वीडियो की जो सीरीज शुरू की है ये भी मैंने कमेंट्स यहाँ पे जब आ रहे थे उनको देखने के बाद ही शुरू की है, पहले मेरा कोई यहाँ पे इरादा नहीं था, लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट के बाद ही ये यहाँ पे वीडियो यहाँ पे होने लगी है। तो Q&A वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आपके सारे कमेंट पिक करता हूं। तो यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे पिक करते हैं, कैन यू गिफ्ट मी अ फोन, आई एम यूजिंग रेडमी नोट 2। देखो यहाँ पे गिव अवे की मैंने बात की है लास्ट Q&A में, अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर करवा दोगे 10 सितंबर से पहले तो एक गिव अवे यहाँ पे अनाउंस करूंगा, उसमें जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो आगे वाले यहाँ पे सब्सक्राइबर बहुत गुस्से हैं, ये लिख रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पूछना कुछ भी, वैसे भी मेरा क्वेश्चन को कभी लेते नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा। देखो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे पिक करने कोशिश करता हूँ, 90% क्वेश्चन पिक होते हैं, अगर गलती से आपका रह गया होगा तो इस बार ही मैंने आपका देखो ये क्वेश्चन पिक कर लिया है, आगे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछिएगा उसको मैं ज़रूर पिक कर लूँगा। आगे यहाँ पे एक बहुत बड़े वाला यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि COD मोबाइल को ओपन करता हूँ तो प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म जैसा कुछ एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने का ऑप्शन आता है, जब डिक्लाइन करता हूँ तो गेम स्टार्ट नहीं होती है और एक्सेप्ट करने में डर लगता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप इंस्टॉल करते हो, यहाँ पे इवन आप फ़ोन को भी यहाँ पे सेटअप करते हो तो कुछ यहाँ पे कंपनी की पॉलिसीज रहती हैं, कोई प्राइवेसी पॉलिसी रहती हैं, तो उनको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा तभी आप जाके उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कोई आप सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करते हो तब भी आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, अगर आप कोई यहाँ पे एप्लीकेशन या फिर गेम चला रहे हो लाइक यहाँ पे COD की बात करते हैं तो उनकी कुछ यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसीज रहती हैं तो उनको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी आपकी गेम चलेगी, कोई भी हार्म नहीं है, बड़े इजीली आप उसको एक्सेप्ट करके गेम खेल सकते हो। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि Realme GT का गेमिंग और हीटिंग टेस्ट जल्दी लाइए। तो मैं अभी यहाँ पे Realme GT यूज़ कर रहा हूँ, इसका गेमिंग और हीटिंग टेस्ट जल्दी मैं लाने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसके साथ इसको मैं कंपेयर कर सकूँ क्योंकि Nord 2 ऑलरेडी जा चुका है और Asus ROG 5 सर्विस सेंटर में पड़ा है, तो मैं इसका परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पे नहीं ला पा रहा हूँ। तो जब भी मेरे पास कोई ऐसा फ़ोन आएगा जो इससे यहाँ पे कम्पीट कर सकता है तब मैं आपको इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी जल्दी ही ला के दूंगा, गेमिंग टेस्ट जल्दी ही आने वाला है। तो आगे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि IQOO 7 4000mAh की बैटरी है फिर भी आप उसे under 40K रिकमेंड करते हो, भाई देखो यहाँ पे बैटरी यहाँ पे चाहे कम है 4000mAh है उसको रिकमेंड करने का यहाँ पे जो मेरा मेन मोटो रहता है वो बैटरी को लेके बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं ऑलवेज आपको बोलता हूँ कि IQOO 7 की बैटरी बैकअप यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे जो उसका रिकमेंडेशन का मेन रीज़न है वो है यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस और इसका हीट मैनेजमेंट, क्योंकि जो यहाँ पे Snapdragon 888 है मैंने बहुत सारी वीडियो में बात की है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी तक Snapdragon जो इतना गर्म होता है इसका इतना माथा गर्म हो जाता है उसको ठंडा नहीं कर पाते हैं, कूल नहीं रख पाते हैं Snapdragon 888 को। तो ये यहाँ पे IQOO 7 है जो उसको काफ़ी हद तक ठंडा रखता है, इसकी कुछ यहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग है उसके साथ, इसी की वजह से काफ़ी अच्छा काम कर लेता है Snapdragon 888 के साथ। तो ये मेनली रिकमेंडेशन का कारण होता है, बाकी इसके कैमरास काफ़ी अमेजिंग है ये भी रिकमेंडेशन का कारण है। तो बैटरी का मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता किसी बंदे को कि आपको अगर ये फ़ोन बाय करना कि आपकी बैटरी बहुत चलेगी, बिगर बैटरी चाहिए तो आपको ASUS ROG 5 जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे उसके साथ जा सकते हो। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा कि आप वीडियो बनाते हो कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिया करो जैसे गेमिंग टेस्ट शॉर्ट्स हीटिंग टेस्ट शॉर्ट्स, इससे आपको और कंटेंट मिलेगा। चलो जल्दी ही ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, थैंक्स फॉर योर सजेशन। तो आगे यहाँ पे लिखा कि Samsung F62 के बारे में बताइए, क्या मैं उसमें COD Max सेटिंग में खेल सकता हूँ? देखो यहाँ पे COD Max सेटिंग में F62 में खेल सकते हो, एक पुराना फ्लैगशिप प्रोसेसर है सैमसंग का वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। F62 एक डिसेंट डिवाइस है, किसी टाइम के ऊपर मैंने देखा है सेल में इसको 17-18,000 रुपीज़ में भी आया था, अगर आपको इस प्राइस पॉइंट में मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। अगर आप सैमसंग के फ़ैन हो और आपको OneUI अच्छी लगती है तो ये रिकमेंडेशन में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे यहाँ पे आप F60 को बाय करने के बारे में सोची तो थोड़ा सा डिवाइस पुराना हो चुका है इसलिए मैं इसको बाय नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आपने बाय करना है तो इसको बाय कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वेट कीजिए किसी सेल में अगर ये 17-18,000 ये अगर आ जाता है तो। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि Realme X7 Max बाय करोगे,
तो Realme X7 Max बाय करने का कोई भी यहाँ पे इरादा नहीं है, क्योंकि ये इस फोन को मैंने 25 से लेके जो मैं यहाँ पे 30,000 के यहाँ पे प्राइस में फोन में डिस्कस करता हूँ, तो उसमें भी मैं बिल्कुल बात नहीं करता, क्योंकि इससे अच्छे यहाँ पे फोन अवेलेबल हैं, तो उनको यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन में लाता हूँ, तो ये फोन मेरी रिकमेंडेशन में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको बाय भी नहीं किया है। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा कि 10K जल्दी हो जाए, उसके बाद भी बढ़ते रहें सब्सक्राइबर, थैंक्स फॉर योर यहाँ पे सपोर्ट, आप इतना सपोर्ट करते हो, तभी यहाँ पे 10K होने वाले हैं, 10K होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर भी कर पाऊँगा किसी टाइम के ऊपर, मुझे यहाँ पे 1,000 भी करना मुश्किल था स्टार्टिंग में, तो अभी लग रहा है कि हाँ भी हम आगे भी जा सकते हैं। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन पूछे, सारे डाउट्स कमेंट में ही क्लियर हो जाते हैं, ये तो यहाँ पे आपका प्यार है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको मैं मोस्टली कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, आगे भी ऐसा चलता रहेगा, लेकिन फिर भी तो कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता कमेंट को पढ़ने का, रीड करने का, कमेंट करने का, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए मैंने ये Q&A वीडियो रखी है ताकि आप अपने जितने भी दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे लिख दो। कि भाई कैसे हो, बहुत बढ़िया, मेरा एक क्वेश्चन है ROG 5 का, प्लीज़ और एक बार इस वाईफाई का मामला एक बार ऑफिशियल तक लेके जाना, बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है 2 वीक से, लव यू फ्रॉम आंध्र प्रदेश, लव यू फ्रॉम पंजाब, लव यू फ्रॉम इंडिया। तो मैं यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जो ये मैटर है आगे जाए। वैसे मैं आपको यहाँ पे ROG 5 का वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, जो मुझे यहाँ पे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली सारी इस वीडियो में यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे कंपाइल कर दूंगा। तो ROG 5 का जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो ये है, तो जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि क्या हुआ होगा कि कुछ यहाँ पे बैचेस में जब OTA अपडेट जाता है तो एक पर्टिकुलर बैच में वहाँ पे गलत OTA अपडेट यहाँ पे चला गया, फॉल्टी या फिर कोई फॉल्टी OTA अपडेट चला गया, तो ये चीज़ हो सकती थी। लेकिन अभी जब मैं सर्विस सेंटर पे गया कुछ दिन पहले या 3-4 दिन पहले, तो वहाँ पे जो उनके हेड हैं बहुत वहाँ पे नाइस पर्सन है, उनसे मेरी फ़ोन के ऊपर बात भी होती रहती है, तो उन्होंने मुझे वहीं पे क्लियर कर दिया था कि जो यहाँ पे तो एक जो पर्टिकुलर बैच था वो 400 यूनिट्स का बैच था, और जो 400 यूनिट्स को OTA अपडेट गया है वो फॉल्टी गया है, तो वो 400 ऐसे डिवाइस है ROG 5 जिनमें ये वाईफाई का इशू आया है। तो सबसे पहला और सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे वे सॉल्यूशन का यही है मदरबोर्ड रिप्लेस, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे आप 50,000 रुपये यहाँ पे दे रहे हो और इन एसेस की गलती की वजह से आप अपना एक नया फ़ोन उसका मदरबोर्ड रिप्लेस करवा दो, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप में से ऐसे कोई बंदे हैं जो आपको फ़ोन यहाँ पे चाहिए बहुत एमरजेंसी में चाहिए, तो आप यहाँ पे मदरबोर्ड अगर चाहते हो तो रिप्लेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एसेस बड़े ईजिली कर देगा क्योंकि उनकी गलती यहाँ पे है। दूसरा वे आउट जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैंने उनसे बात कर रखी है कि मुझे यहाँ पे मदरबोर्ड मैंने नहीं रिप्लेस करवाना है, आपने जो भी लॉग्स वगैरह कलेक्ट करने हैं आप मेरे डिवाइस को यहाँ पे एज अ टेस्टिंग डिवाइस यहाँ पे ले लीजिए, उसके ऊपर यहाँ पे जो टेस्ट करने हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा डिवाइस वहाँ पे सर्विस सेंटर के ऊपर पड़ा है। तो अगर सपोज करो यहाँ पे मेरे एंड ऑफ द डे यही बोलेंगे कि मदरबोर्ड रिप्लेस कराना, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ना करने वाला हूँ, और या फिर मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एक ऐसे OTA अपडेट का जिससे कि वाईफाई का इशू फिक्स हो जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि ये कोई OTA अपडेट ऐसा भेजेंगे, क्योंकि वैसे इनकी डेवलपर टीम को पता चल चुका है कि 400 यूनिट को ये दिक्कत आई है, तो अगर उम्मीद करते हैं कोई ऐसा अपडेट आएगा जिसे ठीक होता है, तो उसी चीज की मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, पहले वेट करते हैं उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पे Asus Care है उसके जो हेड है उनसे मेरी रेगुलर बात होती रहती है, वो जो भी अपडेट आता है मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे यहाँ पे सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अभी देखते हैं कि कितना टाइम और लगता है। इसके अलावा मैंने Asus Care के ऊपर बात भी कर रखी है, मेरा वहाँ पे KSID जनरेट हो रखा है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि उनके जो हेड रहते हैं कोई RSR रहते हैं उनसे मेरी बात हो जाए, तो अगर उनसे मेरी बात होगी तो मैं अपना पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा मैटर जितना भी है। और मैंने उनको मेंशन भी कर रखा है कि मेरे यहाँ पे काफी सारे सब्सक्राइबर है जो इससे इफेक्ट हुए हैं, कि उनके लिए आप ऐसा क्या करोगे कि उनको थोड़ा सा तो उनको यहाँ पे दिक्कत आगे ना आए, तो सारी चीज ये यहाँ पे चल रही है। तो आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रो iPhone 13 सीरीज का अनबॉक्सिंग करोगे क्या, तो यहाँ पे पूरे चांसेस है 90% चांस है कि iPhone 13 का जो बेस मॉडल होगा मैं वो बाय करने की कोशिश करूंगा, अगर बजट अलाउ करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली यस है कि मैं बाय करने की कोशिश करूंगा और अनबॉक्सिंग भी आपको मिलेगी। और आगे यहाँ पे पूछा कि भाई और Asus का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करो, भाई आई नो यू हैव मेड अ वीडियो अबाउट इट बट उसमें कुछ खास समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ वीडियो बनाओ। देखो अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने लग गया ROG 5 के साथ, तो मैं पक्का बोल रहा हूँ कि आपको मैं वो डिवाइस मेरा वो ब्रेक हो जाएगा, तो मैं वो ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ डिवाइस। तो आपको मैं सिंपल सी यहाँ पे तो आपको सिंपली यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि वैसे नॉर्मल यूसेज में आपका डिवाइस ब्रेक नहीं होगा, अगर आप उसके ऊपर स्ट्रेस लगाओगे
रखोगे, बैक पॉकेट में रखोगे, या उसको बहुत यहाँ पे जोर लगा के बैंड करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे बाकी फोन्स का भी चांस रहता है टूटने का, तो वो भी यहाँ पे टूट जाएगा। अगर उसकी आपको पूरी तरह से अच्छी वाली वीडियो चाहिए तो जेरी रिक एवरीथिंग ने एक इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगी। तो आगे यहाँ पे पूछा रहा है कि सुजेस्ट मी अ बेस्ट गेमिंग डिवाइस अंडर 15K। तो 15K की जगह के ऊपर अगर आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज करके पोको X3 प्रो बाय कर लोगे तो वही डिवाइस आपके लिए एक अच्छा डिवाइस है, 2-3 हज़ार ऊपर आपका पड़ेगा, तो वो डिवाइस अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको बाय कर लीजिए। इसके अलावा IQ Z3 भी एक अच्छा ऑप्शन है फॉर गेमिंग, उसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि उसका बेस जो प्राइस है वो कुछ 19-20 हज़ार प्राइस रहता है, और डिस्काउंट लगाने के बाद वो भी कुछ 17,000 के अराउंड मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं IQ8 Pro लूँ या ROG 5, और मुझे ROG 5 Ultimate लेना है, तो वो कब तक आएगा बता दो प्लीज़, ROG 5 Ultimate का वेट करूँ या फिर IQ8 Pro ले लूँ, प्लीज़ आंसर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गेमिंग के लिए चाहिए। देखो सबसे पहले तो ROG 5 के बारे में बात करते हैं कि ROG 5 Pro और ROG 5 Ultimate इसके बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो जितने भी आगे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ROG 5 की अवेलेबिलिटी को लेके, तो वो भी यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। प्रो और यहाँ पे अल्टीमेट का कोई भी नामो निशान नहीं है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी वेट तो आप यहाँ पे बिल्कुल मत करो। और जो यहाँ पे ROG 5 के स्टॉक की बात है, जो उसका अभी स्टॉक अनअवेलेबल है, तो वेट कर लो कुछ टाइम के लिए। वैसे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर आप नोटिफाई मी के ऊपर क्लिक करके रखो, तो उनके 1-2 यूनिट्स यहाँ पे स्टॉक में आते रहते हैं, जब भी आते हैं तो उसको आप बाय कर सकते हो, एक तो पहला ऑप्शन है। और अगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ROG 5 का स्टॉक बैक आ जाएगा, तो उसको आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा रही अभी वाईफाई की इशू, तो मैंने आपको वो क्लियर कर दिया है कि वो 400 बंदों को इशू आया है, इसके अलावा जो बाकी सारे यूजर्स हैं उनको उस अपडेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जिनको वो फ़र्क पड़ा है तो उसका जो यहाँ पे इमीडिएट रेजोल्यूशन हो सकता है वो मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो ये सारी यहाँ पे कहानी है। अभी आप पहले IQ 8 का सीरीज का वेट कर सकते हो, उसके बाद आप देखो कि अगर आपको IQ 8 Pro अच्छा लगा तो IQ 8 Pro ले लो, अदरवाइज आपको ROG 5 तो ऑप्शन मिल ही रहा है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप अपने ROG 5 के ऊपर माइनक्राफ्ट का फुल मैक्स ग्राफिक के ऊपर एक गेम प्ले का वीडियो बनाओगे। तो फिलहाल तो फ़ोन मेरे पास है ही नहीं, पता नहीं सर्विस सेंटर से कितने दिनों में आएगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन। वैसे मदरबोर्ड रिप्लेस नहीं होना है, नहीं मैं करना चाहता हूँ, लेकिन स्टिल यहाँ पे काफ़ी दिन लग सकते हैं, तो जब भी आएगा तो मैं ट्राई करूँगा कि ये माइनक्राफ्ट के ऊपर एक वीडियो बना दूँ। इसके अलावा आगे पूछ रहे हैं कि M1 चिप के बाद कौन सी चिप लॉन्च कर रहा है एप्पल, इसके ऊपर क्या एक डिटेल वीडियो बनाओगे। तो अभी तो देखो यहाँ पे मैं एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अलग अलग टेक वीडियो के ऊपर जा रहा हूँ। पहले आपने देखा होगा कि मेरी एक ही यहाँ पे स्ट्रीमलाइन ब्रांच चल रही थी ROG 3 के ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा वीडियोस को एक्सपेंड करने की कोशिश की है, उसके बाद आया ROG 5, तो उसके ऊपर वीडियोस बनी, फिर अभी IQOO के ऊपर वीडियो बन रही है। और मैं जितने भी फोन आ रहे हैं जिसका यहाँ पे प्राइस रेंज कुछ 30,000 के ऊपर है, उन सभी को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। मोस्टली यहाँ पे जो फ्लैगशिप किलर्स रहते हैं या फिर अपर मिड रेंज या फिर जो फ्लैगशिप फोन्स रहते हैं प्रॉपर, उनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ इस चैनल के ऊपर, ये भी यहाँ पे चल रहा है। तो अभी यहाँ पे ऐसी छोटी टेक न्यूज़ जो रहती हैं इनको कंबाइन करके एक वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा, एक ट्राई करूँगा, एक सेपरेट वीडियो ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं जल्दी बना के आपको दे दूँ। तो आगे वाला क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्रो सैमसंग के कुछ फ़ोन जैसे कि सैमसंग A52 है, वो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से उसका प्रोसेसर काफ़ी लो है, Snapdragon 720G, और फ़ोन जैसे सैमसंग A22 एटसेट्रा अपनी प्राइसिंग और कॉम्पिटिशन के हिसाब से पीछे हैं, फिर भी सैमसंग A52 मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में आता है, फिर काफ़ी फेमस है, तो क्या सैमसंग अपने नाम और नॉक्स सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा पैसे लेता है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सैमसंग की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, और जो यहाँ पे बजट वाला सेगमेंट रहता है उसमें तो इसके डिवाइसेज यहाँ पे बिकते ही हैं। रीज़न यही है क्योंकि ये जो फ़ोन्स है आपको सैमसंग के जो फ़ोन्स रहते हैं ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में देखने को मिल जाते हैं, और जब कोई यहाँ पे फ़ोन ऑफलाइन में बिकता है तो रिकमेंडेशन में ये डिवाइसेस रहते हैं। तो सैमसंग जो अपने रिटेलर्स रहते हैं, शॉप वाले रहते हैं, उनको काफ़ी पैसा देता है कि अपने इन फ़ोन को यहाँ पे प्रमोट करके यहाँ पे सेल करवाओ। वैसे यहाँ पे जो ये डिवाइसेस हैं ऑफलाइन मार्केट में है, इसीलिए इनका प्राइस यहाँ पे हाई है। अगर ये ऑनलाइन आएंगे तो इनका प्राइस कम होगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे प्राइस हाई रहते हैं सैमसंग के। रीज़न यहाँ पे यही है कि एक बड़ी कंपनी है, उनकी एक R&D टीम रहती है, सारा कुछ वहाँ पे उनको सारा पैसा वूसा वहाँ पे देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट जो है वो हम ही से यहाँ पे रिकवर करते हैं। तो यही इसका मेन रीज़न रहता है, पैसा यहाँ पे ज़्यादा सैमसंग लेता है। इसके अलावा आगे यहाँ पे लिखा है कि और ऐसा ही है तो मोटोरोला भी अपने फ़ोन में अपनी सिक्योरिटी देता है, तो पर उनके फ़ोन तो अपने प्राइस के हिसाब से ठीक है, और मोटो
G40 फ्यूजन वगैरह तो अपनी प्राइस से बेस्ट स्पेक्स देते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो कि जो ये वाला मोटोरोला अभी आ रहा है ना, ये वो मोटोरोला नहीं है जिसको हम पहले से देखते आ रहे हैं, ये वो मोटोरोला है जिसको एक्वायर कर लिया है लिनोवो ने। तो ये चीज़ आप दिमाग में लगा के चलो कि मोटोरोला भी एक चाइनीज़ कंपनी है, ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पहले काम कर रही थी। तो इसीलिए इनके प्राइजेज यहाँ पे काफ़ी ठीक रहते हैं, और इनको फ़ोन बेचना है ऑनलाइन तो ऑनलाइन में भी आपको पता ही है कि काफ़ी प्राइजेज यहाँ पे लो रहते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केट। तो ये सारी यहाँ पे कहानी हो जाती है। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप अपना RG5 सेल करना चाहते हो? मैं उसे खरीदना चाहता हूँ लेकिन मैं उसे बेचना नहीं चाहता। RG5 अभी मेरा सर्विस सेंटर में पड़ा है तो मेरा यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है उसको मैं बेचूंगा सेल करूंगा, कुछ भी नहीं पता। क्या पता कंपनी, क्या पता मैं वहाँ पे उसको रिप्लेस करवाऊँ, क्या पता उसका मदरबोर्ड एंड ऑफ द डे मदरबोर्ड रिप्लेस हो, क्या पता मैं उसका रिफंड ले लूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं है अभी RG5 के साथ क्या होने वाला है। जो भी अपडेट्स आएंगे आपको मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। तो अभी फिर मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो दिक्कत है वो सिर्फ 400 बंदों को ही है, 400 यूनिट्स को ही है, इसके अलावा बाकी लोगों के डिवाइसेस बड़े यहाँ पे अच्छे चल रहे हैं, तो थोड़ी सी जेलसी होती है यार। इतना अमेजिंग डिवाइस है और एक बेकार से OTA अपडेट के वजह से हमारे यहाँ पे डिवाइसेस वो बंद पड़े हैं, तो बहुत वाहियत बात हो जाती है। कुछ लोगों के तो यहाँ पे डिवाइसेस ऐसे हैं जिनमें पहले वाईफाई का इशू आया, उसके बाद उनका फ़ोन यहाँ पे डेड हो गया। तो ऐसे यहाँ पे एक दो केस हमारे लोकल वाले जो एसुस केयर है वहाँ पे भी आए हैं, तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस भी किया था ये चीज़ हो रही है। तो जिनका फ़ोन तो डेड हो गया उनका तो चलो पता ही है कि मदरबोर्ड यहाँ पे रिप्लेस होगा ही या रिप्लेसमेंट में फ़ोन मिलेगा, यही ऑप्शन है। जिनका फ़ोन अभी डेड नहीं हुआ, जैसे मेरा भी फ़ोन डेड नहीं हुआ है, तो उनके लिए मैंने आपको पहले वीडियो में सारी बात बताई दी है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज करने से बैटरी को कोई नुकसान होता है, और अगर होता है तो RG5 जो है उसमें वो टाइमिंग वाली टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जिसकी हेल्प से फ़ोन अपने हिसाब से चार्ज होता है, और जो टाइम हमारे हमने सेट किया है वो टाइम तक बैटरी फुल हो जाती है, तो उसकी वजह से RG5 की बैटरी हार्म होती है। तो सबसे पहली बात, आजकल के जो डिवाइसेस आते हैं वो ऐसे यहाँ पे बनाए गए हैं कि अगर आप उनको ओवरनाइट भी चार्ज करोगे तो वो बैक एंड से वो कट कर देते हैं पावर को, आपका फ़ोन वो चार्ज नहीं करता जब 100% हो जाता है। तो ये यहाँ पे बैक एंड से यहाँ पे काफ़ी मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में ये चीज़ होती है। लेकिन इसके अलावा कि ROG 5 जैसी डिवाइसेस हैं, इनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जैसे आपने सपोज रात को 10 बजे फ़ोन को लगाया और आपने टाइमर सेट कर दिया 5 बजे तक, तो आपका फ़ोन 10 बजे से लेके 5 बजे तक स्लो चार्ज होगा, इसको शेड्यूल चार्जिंग बोलते हैं, और इसमें स्लो चार्जिंग उन्होंने इंक्लूड कर दी है, और 5 बजे के बाद वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी पावर सप्लाई, आपका फ़ोन ऐसा हो जाएगा कि आपने वायर लगाई है चार्जर वाली या नहीं लगाई, वन एंड द सेम थिंग ये चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल हार्म नहीं करती है, इवन ये बेनिफिशियल है आपके लिए, आपके फ़ोन के लिए। तो ये चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि शेड्यूल चार्जिंग अगर आपके फ़ोन में है तो उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा काम करती है और आपकी बैटरी लाइफ को भी एक्सटेंड करती है, सेव करती है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि RG5 iPhone 12 बाय करूँ गेमिंग के लिए, तो RG5 भी ले सकते हो और 12 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ROG 5S Pro इंडिया में कब आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। RG5 में मोबाइल डाटा का इशू है क्या, मेरा मतलब वाईफाई हॉटस्पॉट में अभी इशू है, सेम प्रॉब्लम मोबाइल डाटा में भी है। RG5 Pro एंड अल्टीमेट क्या इंडिया में इतनी लेट कर रहे हैं Asus कंपनी, मतलब देखो उसके बारे में तो कोई पता नहीं है कब आएंगे, लेकिन जो भी वाईफाई वाला इशू चल रहे हैं वो सिर्फ वाईफाई वाले ड्राइवर्स में कोई दिक्कत आ गई है, वो OTA में कुछ यहाँ पे दिक्कत आई है, वो वाईफाई को ही यहाँ पे टारगेट कर रही है, वाईफाई को इफेक्ट कर रही है, उससे मोबाइल डाटा में कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल डाटा बिल्कुल अच्छा चल रहा है। और जो यहाँ पे आप नए फ़ोन भी बाय करोगे उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक OTA अपडेट था .86, उसी से ये दिक्कत आई थी। अगर यहाँ पे सपोज नया फ़ोन आएगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी उस OTA अपडेट से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नए अपडेट्स आ चुके हैं। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मी अल्ट्रा कैसा है आपके रिव्यू में। देखो यहाँ पे मी अल्ट्रा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे जो ROG 5 वाला एक यूज़र है उसने ये डिवाइस यूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप तो ऐसी तारीफ़ कर रहे हो फ़ोन की, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उनसे मेरी बात चलती रहती है, तो RG5 को उन्होंने यूज़ किया है, और उसके बाद उन्होंने मी 11 अल्ट्रा भी यूज़ करके देख लिया, तो उन्होंने सिंपली मुझे जो भेजा है वो आप खुद ही पढ़ लीजिए कि RG5 जितना बेटर फ़ोन मी अल्ट्रा बिल्कुल नहीं है, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देगा। तो इसके अलावा सबसे बकवास काम जो रहता है मी 11 अल्ट्रा में वो है यहाँ पे इसकी UI, मतलब मी UI तो यहाँ पे काम खराब कर देती है एक फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में,
ऐसी यहाँ पे आपको यूआई देखने को मिलेगी, तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। तो यही काम हो रहा है यहाँ पे मी 11 अल्ट्रा में। वैसे ऐसा डिवाइस कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मी यूआई कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है, और जिसको नहीं आती उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लाइक मैं वो दूसरे टाइप का बंदा हूँ जिसको मी यूआई पसंद नहीं आती है। तो आप एक बार वो मेरे यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि जो बंदा यहाँ पे दोनों फ़ोन यहाँ पे साइमेंटेनली यूज़ कर चुका है, ये एक सब्सक्राइबर है मेरा। तो अगर ये इसको ऐसा फील हो रहा है, तो मतलब बाकी लोग भी ऐसा ही फील करते होंगे। बाकी सभी की राय अपनी अलग अलग रहती है। मैंने फिलहाल मी 11 अल्ट्रा यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं अगर यूज़ भी करूँगा तो वही मैं आपको बोलूँगा कि इसका मी यूआई मुझे पसंद नहीं है, और बाकी इसके फ़ोन के फ़ीचर्स काफ़ी अच्छे हैं जो प्रोवाइड करता है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करते हो तो परफॉर्मेंस में तो IQOO 7 Legend और ROG 5 यहाँ पे अच्छा काम करते हैं। तो आगे यहाँ पे न्यू चार्जर फॉर Asus ROG 5 कहाँ से बाय कर सकते हो? तो न्यू चार्जर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ Asus Care के ऊपर। आपको Asus Care के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो आपका बुक कर देंगे कि हाँ भाई ये वाला चार्जर अगर तो उनके पास वो एक्सेसरी अवेलेबल होगी, आपको वहीं उसी टाइम मिल जाएगी। अगर नहीं होगी तो आपको 6-7 दिन में आपको वो ऑर्डर करके दे देंगे। तो यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रो आपको लगता है IQOO 8 Pro ROG 5 से अच्छा होगा या बुरा, क्योंकि फ्यू अपडेट्स के बाद ROG 5 में वाईफाई इश्यूज के बाद उसकी मार्केटिंग बहुत डाउन हो गई है। रेट के हिसाब से भी IQOO 8 का प्राइस 50,000 होगा या प्रो का? देखो यहाँ पे IQOO 8 प्रो काफ़ी अच्छा डिवाइस होने वाला है, ये तो यहाँ पे हमें सभी को एक्सपेक्टेड ही है। बाकी ROG 5 का यहाँ पे सही, आपने बिल्कुल सही बोला कि मार्केटिंग यहाँ पे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप होगी। जैसे आपको पता है कि मैं ROG 5 यहाँ पे आंखें बंद करके यहाँ पे रिकमेंड कर रहा था पहले, और अभी भी मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे लोगों को बोलना पड़ रहा है कि हाँ भाई इसमें ये इशू चल रहा है, आपको बहुत ध्यान से बाय करना पड़ेगा। वैसे नए डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे दिमाग में एक चीज़ तो आ गई ना कि इन्होंने क्या किया है कि एक OTA अपडेट ऐसा दे दिया है जिससे इनके डिवाइसेज यहाँ पे डेड भी हो रहे हैं, वाईफाई भी ख़राब हो रहा है। तो इस चीज़ से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जो इन्होंने एक काफ़ी टाइम से जो मेहनत करके एक कम्युनिटी बिल्ड की है, तो उसका यहाँ पे ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है इस चीज़ से। तो ये इस चीज़ से मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ। और IQOO 8 Pro का प्राइस 50,000 यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है, तो यही मेरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। और IQOO 8 जो आएगा उसका प्राइस यहाँ पे 40 से लेके 45,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रो ये अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ कि ये किस तरह से काम करती है। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको जब आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलता है कि वहाँ पे कैमरा है, तो आपको जो कंटेंट है बिल्कुल पूरा पूरा दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कैमरा का होल है। तो इसमें होता ये है कि जो कैमरा होल रहता है उसके ऊपर वो एक ट्रांसपेरेंट यहाँ पे वहाँ पे ग्लास लगाया गया है, और उस पर्टिकुलर रीजन में क्या हुआ है, छोटे छोटे एक डॉट्स बना दिए गए हैं, पिक्सल बना दिए गए हैं, उनको आप गैप्स भी बोल सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपको पता है कि कैमरा सेंसर को एक लाइट चाहिए होती है, तो वो जो गैप्स छोटे छोटे वो पिक्सल रहते हैं, तो उनकी मदद से वो क्या होता है कि वो लाइट कैमरे तक पहुंच जाती है, कैमरा सेंसर तक। तो वो छोटे छोटे जो पिक्सल रहते हैं वो गैप्स रहते हैं, उसी की वजह से ये सारा काम यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे एक फोटो देख सकते हो, इस फोटो में आप बड़े इजीली देख रहे हो जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे जो नॉर्मल वहाँ पे कैमरा रहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है अगर उसको जूम करते हो तो काफ़ी बहुत छोटा छोटा वहाँ पे पिक्सल्स लगा दिए हैं और गैप्स वहाँ पे बन गया है, उस गैप से ही वो लाइट पास होती है। इसके बाद जो यहाँ पे ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है सारी की सारी, आने वाले टाइम में काफ़ी सारे फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी। आपको जो फ़ोन है आपकी जो स्क्रीन होगी उसमें आपको कोई भी कैमरा कटआउट देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, आप पूरा फुल कॉन्टेंट एन्जॉय कर पाओगे। आगे यहाँ पे पूछा रहा है कि क्या IQOO 8 Pro में 3 चिप्स हैं, कब लॉन्च होगा? तो ये कुछ एक महीने में लॉन्च होने वाला है, और 3 चिप तो नहीं है लेकिन ड्यूल चिप ज़रूर है। वही काम किया है कि एक इन्होंने डेडिकेटेड डिस्प्ले चिप भी लगा दी है, तो देखते हैं वो कैसा काम करती है। जैसे ये वही डिस्प्ले चिप है, वैसे ही डिस्प्ले चिप है जैसी IQOO 7 में देखने को मिली थी, तो इन्होंने यहाँ पे ये डिस्प्ले चिप को अलग लगा दिया है। तो प्रोसेसर के ऊपर जो लोड पड़ता है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू जब प्रोसेसर वो सारा काम करता है, तो फ़ायदा ही है, ऐसे नुकसान तो कोई है नहीं। वैसे IQOO 7 में तो ये चीज़ यहाँ पे एक गेमिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे कैसा काम होता है। तो आगे क्वेश्चन है कि Realme GT Master Explorer प्राइस, तो Realme GT Master Edition आपको 28,000 में देखने को मिलता है, और Realme GT जो है इनका महंगे वाला वेरिएंट वो आपको 37-38,000 का देखने को मिलता है। तो यानी कि इसके बीच में कोई प्राइस आ जाएगा लाइक 32-33,000 में आने के चांस है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो यही है कि ये 32-33,000 में आ सकता है। तो आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि IQOO 8 Pro वर्सेस IQOO 7 Legend, तो यहाँ पे IQOO 8 Pro, तो आगे यहाँ पे IQOO 8 Pro वर्सेज OnePlus 9 Pro वर्सेज Mi Mix 4।
तो इन तीनों में से मैं यहाँ पे IQ 8 Pro को यहाँ पे पिक करूंगा। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुजेस्ट कवर एंड टेम्पर ग्लास ऑफ IQ 7 लेजेंड एंड कीप इट अप ब्रो। इसका जो टेम्पर ग्लास और कवर है इसका मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे ढूंढता हूँ और आपको इस कमेंट के नीचे मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर मुझे कुछ यहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो आगे यहाँ पे है कि सर IQ 7 लेने की सोच रहा हूँ, बस सर्विस सेंटर और OS का डाउट है, क्या वर्थ है 30,000 में स्पेंड करना? तो यहाँ पे बिल्कुल वर्थ होगा। सर्विस सेंटर के बारे में जानना चाहते हो तो एक वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी चैनल के ऊपर, उसको देखिए, और एक OS के ऊपर भी, फ्रंट टच OS के ऊपर भी वीडियो बना रखी है चैनल के ऊपर, उसको आप देख के आइए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या यहाँ पे काम होने वाला है। तो आगे यहाँ पे है कि आप किस से इंस्पायर हो YouTube वीडियोस बनाने के लिए? तो YouTube बनाने के लिए मैं अपने आप से यहाँ पे इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि मैं पिछले यहाँ पे 10-12 साल से टेक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तब से मैं बिल्कुल जो नए नए फ़ोन्स आते थे मार्केट में या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी तो मुझे यहाँ पे रहता था कि मैं उसको यूज़ करूँ, और मैं यूज़ करता भी था, और काफ़ी सारे लोगों को मैं रिकमेंडेशन मैं देता ही रहता था पहले अपने फ्रेंड सर्कल में और बाकी जितने भी मेरे यहाँ पे नोन रहते थे उनको भी। तो जब मैंने टेक वाली वीडियोस देखने स्टार्ट की YouTube के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे देख के लगा कि ये चीज़ें तो मैं यहाँ पे बड़े इजीली अपने यहाँ पे सब्सक्राइबर को बता सकता हूँ, तो ये वीडियो मैं बना सकता हूँ। पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ना मेरे दिमाग में कभी आया कि मैं YouTube का चैनल शुरू करूँ। तो अभी जब मैं यहाँ पे गेमिंग कर रहा था, पबजी कर रहा था, यहाँ पे पबजी खेलने के टाइम के ऊपर दिमाग में एक बार बैठे बैठे ख्याल आया कि हाँ भाई हमने गेम प्ले यहाँ पे लगाने हैं पबजी के गेमिंग के, तो पहले वहाँ से स्टार्ट किया, तो गेम प्ले इतने चले नहीं, लेकिन टेक की नॉलेज तो उतनी ही है जितनी पहले थी। तो वो सारी टेक्नोलॉजी को मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाया जाए और जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपको प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मैं आपको जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ ये सारी की सारी यहाँ पे जेन्युइन रहती हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी जगह के ऊपर पढ़ा भी रहता है और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी रहता है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको इसलिए बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ भी मैंने किसी से कॉपी कर लिया और आपको बता दिया, क्योंकि मैंने इतने सारे यहाँ पे टेक चैनल देखे हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ रटी रिटाई बातें बोलते हैं, बाकी उनको पता है हाँ भी हमने एक टेक की वीडियोज़ बनानी है तो वो बना रहे हैं। इवन उनका जो बैकग्राउंड भी होगा वो टेक्निकल या टेक वाला नहीं होगा, फिर भी वो यहाँ पे टेक की बातें कर रहे हैं, तो पता नहीं कैसा काम चल रहा है हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री में। चलो देखते हैं अभी और यहाँ पे आगे कितना जा सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेटअप टूर कब आएगा आपका? भाई यहाँ पे सेटअप टूर में आप क्या देखोगे? ये एक यहाँ पे एक रिंग लाइट है और एक लाइट यहाँ पे लगी रहती है, इसको मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, और पीछे दो LEDs जल रही हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सेटअप में। और जिससे ये शूट हो रहा है वीडियो वो है यहाँ पे कैनन का M50। तो इसके अलावा अगर आप मेरा माइक देखना चाहते हो तो ये है मेरा माइक, ये बोया का M1। तो ये इतना ही, बस इतना ही टूर है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, जब भी मैं अपना जो सेटअप है उसको कहीं पे मर्ज करूँगा, कहीं और जगह के ऊपर लेके जाऊँगा, तब मेरा ये प्लान बन रहा है कि हाँ जल्दी मैं शिफ्ट करूँ, तब मैं देखता हूँ कि एक सेटअप टूर दूंगा। अभी फ़िलहाल कुछ भी देने को नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मैसी यहाँ पे रूम रहता है। तो कभी अगर दिल हुआ तो मैं ट्राई करूँगा कि एक सेटअप टूर मैं दे दूँ, चलो देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि मेरे यहाँ पे रूम में क्या कुछ अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे सेटअप टूर की वीडियो लगाने की कोशिश करूँगा तो क्या पता कुछ यहाँ पे चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाए बोलने को, तो तब की तब यहाँ पे देखेंगे। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लीज़ टेल एनी सैमसंग सीरीज़ फ़ोन विच इज़ बेस्ट। तो बेस्ट लेना है तो आप बिल्कुल बेस्ट वाली सीरीज़ के ऊपर जा सकते हो, यहाँ पे सैमसंग S21 अल्ट्रा ले सकते हो, वही बेस्ट है, क्योंकि आपने यहाँ पे बजट के बारे में नहीं लिखा है। तो पहले एक बार बजट भी लिख दिया कीजिए ताकि मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे सकूँ कि आप क्या और कौन सा फ़ोन यहाँ पे ले सकते हो। आगे लिखा है कि आई वॉन्ट टू बाई Asus ROG 5, बट इशू इज़ दैट Asus कंपनी डजेंट प्रोवाइड IP रेटिंग विच प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर एंड डस्ट। इफ़ IP रेटिंग प्रोवाइड इन दिस फोन देन प्लीज़ टेल। देखो ROG 5 में बहुत सारे यहाँ पे छेद बना रखे हैं, बहुत सारे खड्डे मिल जाते हैं, तो IP रेटिंग तो आप भूल जाओ कि उसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा सैमसंग का आप यहाँ पे कोई फ्लैगशिप फ़ोन ले सकते हो, उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रो व्हेन विल वीवो ओरिजिन OS कम टू इंडिया? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट टच OS को यहाँ पे पिछले एक साल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्वीक कर दिया है, काफ़ी ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो मुझे लगता है कि इसी के ऊपर स्टक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे अगर ओरिजिन OS आता है तो यहाँ पे कैसा काम होगा। और आगे यहाँ पे है कि ब्रो ROG फोन हैज़ इट्स ओन कूलर मेड फॉर इट, सो विच इज़ द बेस्ट कूलर फॉर नॉन गेमिंग स्मार्टफोन्स? देखो यहाँ पे अगर नॉन गेमिंग स्मार्टफोन की बात करते हैं, सपोज अगर आप वन प्लस के किसी डिवाइस के ऊपर लगाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लैक शार्क का जो एक कूलर आता है अगर वो अवेलेबल है तो उसको बाय कर सकते हो, क्योंकि वो रियल मायने में ठंडा करता है। तो अगर आप उसको लगाते हो ना तो वहाँ पे रियल आइस निकलती है, इतना वो कूल करता है आपके फ़ोन को। तो वो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने टेस्ट भी किया हुआ है, तो रिकमेंड मैं उसको बड़े ईजिली कर सकता हूँ। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रो वन प्लस नॉट इज़ गुड चॉइस और नॉट?
देखो भाई पूरा फुल रिव्यू कर दिया है वीडियो, तीन चार वीडियो पीछे मैंने वो रिव्यू बनाया है, उसको देखो आपको पता चल जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है उस डिवाइस में, बड़े इजीली रिकमेंड किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं कि आई नीड बेस्ट कैमरा एंड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रूफ फोन, प्लीज़ गिव योर सजेशन, माई बजट 38K। तो देखो यहाँ पे 38 का बजट है, यहाँ पे एक तो आपके पास iQOO 7 Legend का ऑप्शन बन जाता है, तो iQOO 7 Legend बड़े इजीली बाई कर सकते हो। अगर थोड़ा सा बजट कम करोगे तो iQOO 7 का ऑप्शन है, अगर थोड़ा सा बजट इंक्रीज कर लोगे, अगर OnePlus 9 का प्राइस आपको 50 की जगह के ऊपर 43-44 के बीच में मिलता है, जैसे प्राइस में मैंने बाय किया था ऑफर वगैरह लगा के, तो अगर उसके ऊपर आपको मिलता है तो आप OnePlus 9 के साथ भी जा सकते हो। तो ये आपको ये दो तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इनके साथ बड़े इजीली आप ये जा सकते हो। तो इन डिवाइसेस का यहाँ पे कैमरा भी अच्छा है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई क्या आने वाले टाइम में iQOO 7 में BGI में 90 FPS मिलेगा क्या विदाउट एनी कॉन्फिग फाइल, और टेल मी वेदर Realme X7 Max इज गुड और iQOO 7। देखो दोनों में से तो iQOO 7 यहाँ पे बड़े इजीली पिक किया जा सकता है, Realme X7 Max को छोड़ दीजिए। तो मैंने पहले भी बात की थी कि अगर 90 FPS आएगा तो आपको यहाँ पे अपडेट से पता चल जाएगा, और मैं भी किसी वीडियो में बात कर लूंगा इसके बारे में, और आप यहाँ पे लगा के चलो कि जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे काफी सारी डिवाइस में ये आना शुरू हो गया है। तो आगे यहाँ पे है कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ iPhone 12 आफ्टर iPhone 13 सीरीज लॉन्च। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पिक किया हुआ और अपनी प्रीवियस वाली Q&A वीडियो में, उस वीडियो को देख के आइए। तो आगे है कि एज SSRG 3 प्राइस इज डाउन टू 39,000, कैन आई बाय दिस नाउ, विल इट वर्थ बाइंग, प्लीज इफ पॉसिबल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन ROG 3 आफ्टर अपडेट, आफ्टर एंड्रॉइड 11 अपडेट। तो देखो यहाँ पे आफ्टर 11 अपडेट, तो आफ्टर यहाँ पे एंड्रॉइड 11 अपडेट मुझे किसी भी बंदे ने ये नहीं बोला कि उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई है या उनको कोई इशू आ रहे हैं। हाँ, बैटरी ड्रेन तो यहाँ पे एंड्रॉइड 11 में होती रहती है, क्योंकि SSRG 5 में भी थोड़ी सी ड्रेन हो रही है, वही चीज़ ROG 3 वाले बंदों को भी हो रही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सेम ही काम हो रहा है यहाँ पे एंड्रॉइड 11 में। इसके अलावा परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। ROG 3 को आप यहाँ पे 40,000 के अंडर ले सकते हो, लेकिन वही है उसमें आपको ब्लैक क्रश इशू देखने को मिलेगा, किसी डिवाइस में वो कम मिलता है, किसी में ज़्यादा मिलता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप पर्सनली कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। देखो यहाँ पे पर्सनली मैं वही फ़ोन यूज़ करना चाहता हूँ जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और पावरफुल फ़ोन जो पिछले साल का था वो था ROG 3, मोस्ट पावरफुल डिवाइस, वही यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था। उसके बाद पावरफुल फ़ोन आया यहाँ पे ROG 5, तो उसको भी मैंने यूज़ किया है, और उसके बाद एक पावरफुल डिवाइस आया था iQOO 7 Legend, उसको भी मैंने यूज़ किया है, वो भी मैंने एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ किया है काफ़ी टाइम तक, और उसका मैंने रिव्यू करके और काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद उसको सेल आउट किया है। तो ROG 5 फिलहाल अभी सर्विस सेंटर में पड़ा है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी करंटली जो यूज़ हो रहा है वो ये है डिवाइस, Realme GT। तो ये Realme GT में काफ़ी सारा धोखा भी है, तो इसको आगे जब मैं रिव्यू करूंगा इसका 7-8 दिन या 10 दिन वाला, तब आपको मैं बात करूंगा क्यों इन्होंने थोड़ा सा धोखा दिया हमें। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर वाई ROG 5 डाउनग्रेड चिप सेट क्लॉक स्पीड लाइक 2.84 GHz टू 1.31 GHz, इफ दिस इज एन इशू देन वाई SS कांट फिक्स दिस इशू। देखो यहाँ पे मैंने अभी ROG 5 मेरा यहाँ पे सर्विस सेंटर में पड़ा है, मुझे यहाँ पे यूज़ उसको तो ROG 5 मैं यहाँ पे 1 महीने से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा आपको मैं कमेंट में बता दूंगा या फिर किसी वीडियो में आगे मैं डिस्कस कर लूँगा। तो ये तो थे सारे के सारे आज के क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पिक कर लिए होंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ा होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की Q&A वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये Q&A वीडियो और भी आगे देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक ऐसी नई धमाकेदार वीडियो में।